तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों अपने सामने हीरो की मैविक 4 फोटो जो कि बाइक दिखने में कुछ ऐसी है, मुझे ये बाइक बहुत पसंद आई है। बाकी हीरो की ये सबसे बेस्ट बाइक है कि आज की इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि हम इसको कैसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, साथ ही हम दोस्तों जानेंगे इसका मेंटेनिंग कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों बात की जाए बाइक के परफॉर्मेंस की, इस बाइक में जो इंजन दिया गया है वो है दोस्तों 440cc का, जिसमें इंजन टाइप आपको मिल जाएगा सिंगल सिलेंडर मिल जाएगा, एयर कूल्ड SOHC इंजन मिल जाएगा। नंबर ऑफ सिलेंडर की बात की जाए वो दोस्तों आपको मिल जाएगा 1। बाकी एमिशन टाइप जो इस बाइक में दिया गया है वो है दोस्तों BS6 2.0 के साथ में ये बाइक आती है। पावर इसमें वो दोस्तों मुझे बहुत पसंद आई, 27.36 PS की पावर दी गई जो कि 6000 RPM पे बहुत अच्छे से ये काम करती है। साथ ही टॉर्क इस बाइक में जो देखने को मिल जाएगा 36 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिल जाएगा जो कि 4000 RPM पे अच्छे से काम करती है। अब दोस्तों बात की जाए बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। ये जो बाइक आती है डुअल डिस्क विद डुअल चैनल एबीएस के साथ में आती है, जिसमें आपको फ्रंट का जो डायमीटर आएगा 320mm का है एंड बैक में जो डिस्क डायमीटर आएगा इस बाइक में 240mm का डायमीटर इस बाइक में दिया गया है। साथ ही हम दोस्तों बात की जाए बाइक के सस्पेंशन की जो कि आपको देखने को मिल जाएगा टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क जो कि 43mm का है। बाकी बैक में जो सस्पेंशन दिया गया है इस बाइक में वो है दोस्तों 7-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक। अब दोस्तों बात की जाए बाइक के डिज़ाइन की, यानी कि इंडिकेटर हो गया, सीट की हाइट हो गया, ये मुझे बहुत पसंद आई है। इस बाइक में जो सीट हाइट दी गई है दोस्तों वो 803mm की है एंड फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी इस बाइक में है वो है दोस्तों 13.5 लीटर की जो कि इनफ है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक एंड जानते हैं कुछ खास फीचर्स। तो अब दोस्तों अब बाइक की माने ये स्टार्ट आप देख सकते हैं। इस बाइक का जो मीटर है दोस्तों वो डिजिटल, साथ ही में इस बाइक में जो बेसिक से बटन दिए गए हैं जैसे इंडिकेटर हो गया एंड पासिंग लाइट हो गया, हॉर्न का हो गया एंड साथ ही में इस बाइक में जो फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे आपको नेविगेशन, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर एंड टैकोमीटर जैसे भी फीचर दिए गए हैं। साथ ही में इग्निशन ऑन ऑफ हो गया एंड हैजार्ड लाइट का भी इसमें बटन दिया गया है। साथ ही में दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे जो बटन दिया गया है SOS का बटन, जो कि एमरजेंसी में काम आता है, यानी कि आपको कुछ कॉन्टैक्ट होंगे वो आपको ऐड करने पड़ेंगे बाइक को कनेक्ट करने के बाद, जो कि SOS का बटन दबाने के बाद वो SMS या कुछ भेज देगा अपने कॉन्टैक्ट के पास। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बाइक एंड राइडिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको इस वीडियो में। इस बाइक का दोस्तों जो वेट है वो 191 kg का। साथ ही में इस बाइक की जो सीट हाइट दी गई है दोस्तों वो 803mm की सीट हाइट है। मेरी जो हाइट है दोस्तों वो है 5'5" की, आप देख सकते हैं मेरे पैर आसानी से पहुंच गए हैं। बाकी अब मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों ये बाइक एंड सुनाता हूं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड, मुझे कमेंट में बताना पसंद आए तो। इस बाइक का दोस्तों जो मैंने थ्रॉटल दिया है वो 20 से 30 की स्पीड पर होगा दोस्तों, जो कि अभी आपने जो आवाज़ सुनी है। चला के देखो, इस बाइक का दोस्तों राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। बाकी इसका हैंडल को एडजस्ट करना यानी कि मोड़ना ये सब मुझे बहुत पसंद आया, तुरंत ही मुड़ जा रही थी, ऐसी कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। बाकी दोस्तों बाइक का वेट अच्छा है तो मुझे ये मुझे बहुत पसंद आती है ऐसी बाइक जिस बाइक का वेट ज़्यादा होता है। बाकी दोस्तों मैं राइडिंग एक्सपीरियंस में 10 में से 9 रेटिंग करूँगा इस बाइक को क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बाइक को हम कैसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट देके, इसकी वजह से आपको जो गेट ओपन टेस्ट होगा वो कम पड़ जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना ये सेक्शन। अभी जो दोस्तों अपने सामने ये जो बाइक है ये दोस्तों हीरो मैविक की 440 जो कि बेस एडिशन है। इस बाइक को जो XOM प्राइस स्टार्ट हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है 1,99,000 से, जिसमें दोस्तों आपका RTO हो जाता है 29,853 रुपये का, इंश्योरेंस हो जाता है 20,738 रुपये का। उस हिसाब से दोस्तों आपको जो ऑन रोड प्राइस आता है इन जयपुर में वो आता है दोस्तों 2,49,591 रुपये। अब दोस्तों बात की जाए बाइक को फाइनेंस करवाने की, इस बाइक का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है दोस्तों वो है 50,000 रुपये। उस हिसाब से आपकी EMI बनेगी 36 महीने की 6,072 रुपये, बाकी 24 महीने की जो EMI बनेगी वो बनेगी 8,846 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो होगा 6% का। अब दोस्तों आप सब मुझे कमेंट में बताओ यदि आपको ये बाइक पसंद आई हो तो। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।